डर सा लग रहा है भाई, मेरे को पता नहीं कैसा हुआ है, क्योंकि अपना भाई सिर्फ पासपोर्ट चाहिए होता है और कुछ भी नहीं चाहिए होता टेस्ट के लिए। सब लोगों के साथ होता है पेपर होने से पहले, मतलब पेपर में अंदर जाने से पहले। ये भाई क्या कपड़े की शॉपिंग भी है तो मेरे लिसनिंग में आए भाई, रीडिंग में मेरे आए। मैजिकल से आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ, वो अगर आप लोग यूज कर लोगे ना पीटी में, पक्का बढ़िया नंबर आ जाएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग एंड कैन चैनल जा। तो भाई आज की इस वीडियो में किसी ने हुक्का रख रहा था बहुत बड़ा बार। आज की इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं, हम लोग नहीं अकेला, मैं ठीक है, मैं जा रहा हूँ भाई पीटी का टेस्ट देने के लिए। क्यों तुषार भाई, आपका तो आइल्स था, मारे रहे उतने टाइम से, अभी भी इंग्लिश का खुद से टेस्ट नहीं भाई। जब हम लोग वीज़ा 485 डाल रहे होते हैं, विच इज़ टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा, उसके लिए हम लोगों को चाहिए होता है भाई, और शायद 6.5 ही चाहिए होते हैं, पता नहीं, बट मैं तो भाई ये बोलूँ भाई। वो लोग खड़े थे इतने सारे उधर ही, मैं ऑकवर्ड हो गया। हाँ क्या कह रहा था मैं, 485 वीज़ा होता है ना, उसके लिए चाहिए होता है भाई पीटी का टेस्ट, और खुजली नहीं कर रहा, जेब में से वो निकाल रहा हूँ कुछ। तो 485 के लिए भाई चाहिए होता है वीज़ा। और अगर आप लोग चैनल में नए हो, नीचे लाल सब्सक्राइब बटन जाके आप लोग चेक कर सकते हो। और भाई मैं लिटरली आप लोगों को बताऊं, मैंने सिर्फ कितनी देर पढ़ाई करी है, एक 3 घंटे की वीडियो देखी और फिर आधी वो फिर से देखी जिस जिसमें मेरे को डाउट थे। तो आप लगा लो कि 5 घंटे की सिर्फ मैंने पढ़ाई करी है भाई इस एग्ज़ाम के लिए, और देखते हैं भाई क्या रिजल्ट आता है। इसी वीडियो में आप लोगों को भी रिजल्ट भी दिखा दूंगा एंड में, क्योंकि भाई वो 24 आवर्स के विदिन आ जाता है, और हम ऐसे इतनी तगड़ी ब्लॉगिंग तो कर नहीं रहेगी, डेली ब्लॉग हो रहे हो जो पता लग जाए, है ना। मैंने जो अपना पीटी का टेस्ट बुक किया था, वो मैंने बुक किया था घर के 5 मिनट दूर, ठीक है। एक अपना दोस्त है, कहता सिटी आ जा देने के लिए, मैं कहा नहीं ब्रो मैं पास में ही दे लूँगा, मेरे को पता आलस आ जाएगा मारने में, और सुबह सुबह ट्रैफिक और वो सब, जबकि 5 मिनट दूर स्विनबर्न यूनिवर्सिटी के अंदर टेस्ट होगा। एंड पीटी की भाई कॉस्ट थी 435 कुछ डॉलर्स, ठीक है, और भाई देख लो कितना महंगा कर रखा है। पता है ना ये चीज़ मैंडेटरी है, और जो वीज़ा है उसकी फीस भी बहुत महंगी है। हाँ तो पता है ये चीज़ मैंडेटरी है, इसके करके महंगा कर रखा भाई, इतना पैसा छाप रहे हैं भाई। तो मेरे को ऑनेस्टली, चलो वहाँ चल के बताता हूँ, थोड़ा लेट हो रहा हूँ ना, वहाँ पैदल थोड़ा चल लेंगे गाड़ी दूर लगा के। हाँ मैं क्या गाड़ी चलाते हुए बातें कर लेते हैं, वहाँ जाकर तो भाई थोड़ा सा मैं प्रिपेयर कर लूंगा, कि मेरे को डर भाई लग रहा है राइटिंग में, क्योंकि मेरे को ऐसे लिखने में ना बहुत मौत आती है भाई, शुरू से ही अजीब सा लगता है मेरे को। तो ऐसे ऐसे कैसे लिखते हैं हम, है ना, सही बात है ना भाई, आगे कहीं जरूरत नहीं पड़ती ना, हम भाई कोई आर्टिकल छाप रहे हैं ना कुछ हो रहा है, तो क्यों जरूरत है भाई, ऐसे ही थोड़ा कर दो ना। तो उसका मेन डर है, लिसनिंग ठीक है, स्पीकिंग भी थोड़ी चल जाएगी भाई अपनी, 10 साल रह लिया यहाँ पे, और मेन तो भाई बस राइटिंग में मेरे को डर है, और कोई कुछ पेज तेज हो जाए, कुछ छूट ना जाए, या फिर क्योंकि कंप्यूटराइज्ड एग्जाम है, अगर आगे आइल्स की तरह कोई बंदा बैठा होता टेस्ट लेने के लिए, या फिर कोई लड़की होती तो समझ आती है, बट क्योंकि उसमें हम नेचुरल पॉजेज ले सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा सिस्टम अलग है पीटीई का, कि आपको फ्लुएंटली बात करनी है, नॉर्मल पॉजेज ले सकते हो, बट वहाँ थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो कि आइल्स में 1-2 सेकंड ज़्यादा हो सकता है, यहाँ थोड़ा सा कंप्यूटर डिटेक्ट कर रहा है, तो इन एनी वेज पता नहीं क्या क्राइटेरियाज है, बट थोड़ा डर तो मेरे को लग रहा है कि क्या होगा। और इतने साल बाद कहीं कैंपस में जाके एग्ज़ाम दे रहे हैं, जब से मैं आया हूँ ऑस्ट्रेलिया अकाउंटिंग के लिए आया था, कभी मैंने कैंपस के अंदर एग्ज़ाम नहीं दिया, मैंने नहीं दिया मतलब उन्होंने देने नहीं दिया, उन्होंने बोला ऑनलाइन दो। फिल्म मेकिंग करी, फिल्म मेकिंग में तो हमारे एग्ज़ाम ही नहीं थे, असाइनमेंट्स थे और सबमिशंस होते थे यूनी जाके ही, बट वो बैठ के कभी मैंने लिखा नहीं है, इतने टाइम से पेन भी नहीं उठाया भाई, तो देखते हैं कैसा होएगा आज, इतनी नर्वसनेस हो रही है। और खैर 2 मिनट बचे हैं, मैं पहुंच गया, गाड़ी की पार्किंग ढूंढनी है, क्योंकि यहाँ पर सीन क्या है कि फ़ाइन आ जाएगा, 2 घंटे की मैक्स पार्किंग है, 2 घंटे का तो एग्ज़ाम है, वैसे आधे घंटे पहले पहुँचना है, बट मैं बींग अ गुड बॉय 1 घंटे पहले पहुँच रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा पढ़ लूँ मैं। तो ये आ गई भाई स्विनबर्न यूनिवर्सिटी, राइट लेना है यहाँ से हमको। पार्किंग मिल गई, दीदी हटा रही है, थी तो भाई मेरे घर से 25 मिनट की वॉक, 23 की थी, आ जाता मैं पैदल ही, पार्किंग की तो बहुत दिक्कत है भाई, मैं तो भूल ही गया था यहाँ पे रहता हूँ मैं इस एरिया में, फिर भी मेरा ये हाल है भाई। पता है मेरे को एक स्ट्रीट वहाँ 10 घंटे की होती है, बट वो फुल हो जाती है, बट कोई बात नहीं, मिल गई यहाँ पे 2-3 घंटे की $5 की पार्किंग है, तो ये ठीक है, कोई बात नहीं भाई,
हाँ मान ली कितना खर्चा हो गया है 415 में, थोड़ा और सही 435 जितने भी लगे। ये रही भाई पार्किंग की टिकट, ये ठीक है ठीक है। अपना भाई सिर्फ पासपोर्ट चाहिए होता है और कुछ भी नहीं चाहिए होता टेस्ट के लिए। ग्राउंड कहाँ है? वन पे ही होगा लग रहा, हम थर्ड पे थे ना। जब भी किसी भी बिल्डिंग में घुसो ऑस्ट्रेलिया में, फ्लोर जरूर देख लो, उल्टे सीधे होते हैं, कभी अपर ग्राउंड कभी लोअर ग्राउंड कभी फर्स्ट ही ग्राउंड होता है, ऐसे उल्टा सीधा रहता है। तो जहाँ पे भी जाओ, चाहे डिलीवरीज भी कर रहे हो कुछ भी, फ्लोर चेक कर लो। ये देखो फर्स्ट फ्लोर बाहर निकल गया रोड पे, ये देखो आगे भाई, ये रहा भाई, यहाँ जाना है अंदर। मैं सोच रहा थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ बाहर दो मिनट, उसमें लिखा आधे घंटे पहले आना है, मैं तो 45 मिनट्स पहले आ गया। ये रहा भाई पीछे, ठीक है। और ऐसा आप लोगों के साथ होता है पेपर होने से पहले, मतलब पेपर में अंदर जाने से पहले सुसु का प्रेशर शुरू हो गया भाई, ये क्या हो रहा। 12वीं में हुआ करता था जब बोर्ड देने जाते थे कि बैचलर्स, तब मैंने ऐसे ही कर ली। फाइनली भाई हो गया टेस्ट, शक्ल तो ही पता लग रहा है, अरे चटक हो गया, डर सा लग रहा है भाई मेरे को, पता नहीं कैसा हुआ है, क्योंकि टाइमर ना कई कई जो मॉड्यूल है ना उसमें बहुत तेज चला गया, ऐसे एकदम से फट से है ना टाइमर, तो फिर वही है, देखना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है। भाई पीछे घूर रहा मेरे को, ये खा नहीं रहा, घूर रहा मेरे को। हाँ क्या कह रहा था मैं, स्पीकिंग भाई अटक गया, वैसे निकल जाती है इंग्लिश, यहाँ पर आके अटक गई इंग्लिश फिनिश। तो फिर बोला, ट्राई किया काफ़ी, क्या हो रहा है यार ये लाइट ख़राब है, बोला भाई कि इमेज डिस्क्राइब करो मेरे आगे, तो आज सारे प्लैनेट आ गए है ना, तो उसमें जुपिटर सैटर्न ऐसे अर्थ प्लूटो दिखा, मैं बोल दिया जो समझ आया। फिर उसके बाद और क्या आया कि हमको वो लिखना था ऐसे कि जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, टेलीविज़न होती है, उस पर हर चीज़ जो यंगर पीपल होते हैं उनको प्रमोट करती है, तो ऐसे ही मेरा ऐसे था जिसके अंदर हमको लिखना था कि न्यूज़ वाले ओपिनियन आपको पॉजिटिव दिखाते हैं, नेगेटिव, एग्री डिसएग्री लिख दिया था ऐसे, देखते हैं भाई क्या होता है। भाई अभी हम लोग आ गए केंजो की ग्रोसरी करने के लिए यहाँ पे, ये ले ले $5 के, वेरी नाइस टॉय, केंजो टॉय, क्या ले ठीक है, व्हाट्स हैपनिंग। इसने आई कार्ड पहना हुआ, वो नहीं दिखा सकता मैं इसे। अभी काम से वानी फ्री हुई तो मैंने कहा इसकी शॉपिंग करनी है, हमको यहाँ लेना है इसका एडल्ट वाला, बड़ा हो गया ना भाई छोटा, कान टेढ़ा हो गया तेरा, अरे यहाँ थोड़ी मूत, यहाँ क्यों सुसु कर दिया, पागल है क्या, हर जगह मुत्ता फिरेगा, पागल है तू, वहां पर गया बाल कटवाने, वहां सुसु कर दिया, यहाँ से उठाना है इसका वो वाला लेंगे मोस्ट लाइकली, बार ऐसे हम देख रहे हैं भाई। पहले काफी लोग पूछा करते थे कि कुत्ते का खाना कितने का आता है, देख लो भाई 12 किलो का, ये लैब्राडोर का आता है इतने का, कहाँ जाना है तेरे को, वहां लिखा है ना वो अलाउड नहीं ह्यूमंस। ये देखो अब ये इस बाई का केंद्र का 7.5 किलो, ये $100 का है ठीक है, उसका है भाई 12 किलो 143 का, फ्रीक्वेंट फ्लायर है ना, फ्रीक्वेंट फीडर वाला, ये इसका महंगा हिसाब किताब है, ये 146 का है, इसका 12 किलो, हाँ तो $3 का ही फर्क आया गाइस, मेरी मैथ खराब है, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। ये भाई क्या के कपड़े की शॉपिंग भी है यहाँ थोड़ी सी। भाई फाइनली घर आ गए, एंड जब हम लोग वहाँ पर थे ना पेट वैन में केंजो को शॉपिंग कर रहे थे उसकी, तभी भाई रिजल्ट आ गया था, मैंने देख लिया था, मैं घर पे आके दिखाऊंगा भाई आप लोगों को, टाइटल से तो पता ही लग गया होगा ठीक है, अच्छा रिजल्ट आया इसलिए मैंने लगाया वहाँ पे। तो भाई अपने आ गए, पहले तो ओवरऑल देख लो, लग रहा झूठ है, ये दिख रहा 79 और ये मेरा नाम और ये मेरी फ़ोटो दिख रही, ये लाइट का कोई पंगा है छोड़ो, देख लिया ना आपने ठीक है, वो थोड़ी सी फिल्म मेकिंग करी है उसका तजुर्बा लगाता हूँ, पीछे ज़्यादा चमक रहा होगा बट ठीक है, हम भी चमक रहे भाई ठीक है। नंबर आ गए भाई 79 और नीचे वाले सारे ओवरऑल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, नीचे स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो मेरे लिसनिंग में आए भाई 83 ठीक है, रीडिंग में मेरे आए 77, स्पीकिंग में 90 ठीक है, एक्सपर्ट होता भाई 90 ठीक है, और राइटिंग में आए भाई 75। तो यार भाई क्या हो गया ये, तो हमको तो लग रहा था कि आप नहीं होगा आपसे हैं, बढ़िया नंबर नहीं आएंगे, मेरे को भाई खुद लग रहा था भाई 6.5 चाहिए उतने ही आ जाए, ऐसे तो मैं वो लेकर गया था कि जितने आ जाए मैक्सिमम है उतना बढ़िया है, बट मैंने कहा कि 6.5 भी आ जाए ना बहुत है, क्योंकि उतने चाहिए होते हैं। पर भाई ये तो एक बार ही रुको, आइल्स के इक्वलेंट में देखता हूँ कितने बैंड होते हैं, जो 79 होते हैं ओवरऑल वो आइल्स के, यार ये तो दोनों लिख रहे हैं 73 और 79 7.5 बैंड हो गए गुड, और 79 से 83 8 बैंड हो गए वेरी गुड, तो भाई हम फिर वेरी गुड वाले में आ जाएंगे ठीक है। तो भाई अपने आगे 8 बैंड ठीक है, और पीटी के 79 जो 80 लगा लो आप लोग। हाँ कैसे आए तुषार भाई, 5 घंटे भाई में पढ़ा, झूठ नहीं बोल रहा भाई
ठीक है। एक ना मैं आप लोगों को मैजिकल सी वीडियो दिखा रहा हूँ, दिखा नहीं रहा बहुत बढ़िया, मैजिकल सी आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ, वो अगर आप लोग यूज़ कर लोगे ना पीटी में पक्का बढ़िया नंबर आ जाएंगे, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भाई एक वीडियो है, स्पॉन्सर्ड नहीं है भाई बिल्कुल भी, ठीक है। 3 घंटे की वीडियो है, वो मैंने देखी, मेरे को मेरे दोस्त ने भेजी थी, वो वीडियो देख के भाई 3 घंटे वो देख लो, अब वो 2 बार देख लो और थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, बढ़िया नंबर आ जाएंगे, अच्छे से करके आना, ठीक है। और पीटी के अंदर मोटा मोटा क्या होता है भाई, वो होता है क्या बोलते हैं टेम्पलेट्स, तो आप लोगों को पूरे प्रॉपर टेम्पलेट रट्टा मार के चले जाओ, ठीक है। जब आप लोगों का स्पीकिंग का आएगा उसका भी भाई टेम्पलेट है, कि जैसे मान लो आपके आगे कोई फोटो आ गई, कोई ग्राफ आ गया किसी 4-5 कंट्री का, कि इधर वो मोटापा बहुत ज़्यादा है इन कंट्रीज़ में, तो आप लोगों को वो पूरा टेम्पलेट भाई सोच मन में रट्टा मार के जाना है और वो आप लोगों को चिपकाना है। सेम आप लोगों को राइटिंग में ऐसे लिखना है ना, चाहे कोई भी ऐसे आ जाए भाई, इस वीडियो में सब कुछ समझा रखा है, मैं बिल फिर से बोल रहा हूँ स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है। सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करा भाई ने, और भाई को लिटरली थैंक यू सो मच भाई, आपने इतनी हेल्प कर दी, पता भी नहीं होगा भाई देखेगा भी नहीं, बहुत बच्चों की हेल्प करी भाई, कमेंट सेक्शन जाके पढ़ लो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा सब लोगों की हेल्प हुई। हाँ राइटिंग का मैं कह रहा था, राइटिंग का भी आप लोग रट्टा मार के जाना ऐसे, उसके अंदर जो जैसा उसने सिखाया भाई बहुत आसान है, कि वही टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करना है, खुद से 1-2 पॉइंट सोचने हैं। तो हाँ जैसे मैंने प्रिय जैसे मेरा टीवी वाला आया था, कि टीवी पे जो न्यूज़ चलती है, ठीक है, जो मीडिया न्यूज़ दिखाती है वो यंगस्टर्स को अच्छी होती है उनके लिए या नहीं, एग्री डिसएग्री, मैंने बोल दिया भाई दोनों तरीके की न्यूज़ आती हैं, बट लड़ाई झगड़ा मार धाड़ नेगेटिव न्यूज़ वो ज़्यादा करके आती है, ठीक है, जो कि भाई ऐसे बोलती नहीं, रिपोर्टर ये कर लो वो उखाड़ दिया, ये उखाड़ दिया, हाँ ये हो गया वो हो गया, कच्ची में आग लग गई, ये हो गया, तो वो ज़्यादा होता है ना, तो भाई फिर वो बच्चे थोड़ा सा मेंटली इंपैक्ट होते हैं, इसलिए भाई मैंने तो ऐसे के अंदर दोनों चीज़ बता दी, कि हाँ दोनों तरीके की न्यूज़ आती है, सेम फॉर एडवांटेज डिसएडवांटेज, एग्री करो डिसएग्री करो, फिर जो आपका मन है वो करो, ठीक है, अप टू यू है भाई प्रॉपर। और एक और बात मैं बता दूँ, अगर आप लोग टेम्पलेट्स रट्टा मार के जाओगे ना, तो भाई वहाँ सारा कुछ भूल जाते हो, ठीक है, ये तब भूलोगे अगर आपने 5-6 घंटे मेरे जितनी प्रैक्टिस करी है, 1-2 हफ्ते प्रैक्टिस करोगे भाई मैं भी 9 ले आऊँगा, मेरे जैसा 9 ले आएगा, ठीक है, पीटी के अंदर मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया भाई, ठीक है। और अगर मैं ला सकता हूँ भाई, तो आप लोग भी ला सकते हो, ठीक है। मैंने भाई हमारे स्कूल में बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम में था, बट हमने इतनी बोली नहीं भाई बिल्कुल भी, ठीक है, 11th इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ी भाई स्कूल के अंदर, कभी बोली नहीं, फिर उसके बाद यहाँ पर रह के थोड़ा स्पीकिंग वगैरह बढ़िया हो गई है, बाकी तो हाँ बढ़िया हो गया। और लिसनिंग की बात रही, वो तो आसान होता है, इंग्लिश गाने इंग्लिश मूवियाँ तो सभी सुनते हैं, वो तो समझ आ जाता है, और सारे कुछ ना पीटी के अंदर इधर उधर से लिंक्ड होते हैं, जैसे कोई आप पिक्चर देख रहे हो, मेरे में प्लैनेट्स आ गए, तो वो रीडिंग भी कैलकुलेट होगी उसमें से मार्क्स और स्पीकिंग के भी, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे कर गया है। तो आप पूरी वीडियो देख लो, आप लोगों को सब समझ आ जाएगा, मैं क्या ही बोलूँ मैं क्या ही सिखा सकता हूँ, है ना। मैं तो भाई एज इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी लाइव दिखाई है यहाँ पर इन ऑस्ट्रेलिया, तो हाँ लाइट बढ़िया आ रही है ना बगल के नीचे से या टीवी के पीछे से, तो अगर आप लोगों को वीडियो नहीं चलेगी तो लाइक कर देने को ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना, मैं आपको लूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव फॉर मेलबर्न बॉयफ्रेंड। और अगर आप लोग लिटरली चाहते हो कि भाई मैं बताऊँ कि पीटी के बारे, हम तो 3 घंटे की नहीं देख रहे भाई, 3 घंटे की मूवी देखनी हो तो वो देखी जाती है ना, पीटी की वीडियो देख लो, तोड़ तोड़ के देख लो 1-1 घंटे की। हाँ मैं कह रहा था आप लोग चाहते हो अगर कि मैं बताऊँ कि और डिटेल में इसके बारे में बातचीत करें तो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ लव फॉर मेलबर्न बॉयफ्रेंड, पीस। ये कहाँ से लाया सॉक्स बताइयो, खा गया है, सारी चीज़ें खा लो, नई सॉक्स थी मेरी ये।